नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जितने नए लोग हैं, जो लोग इस बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो सबसे पहले क्या करें, क्योंकि नॉलेज के बिना किसी भी चीज़ में कदम उठाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं सबसे पहला कदम क्या उठाऊँ, मुझे कहाँ अकाउंट खोलना होगा, ब्रोकर के पास कैसे जाना होगा, ब्रोकर का चयन कैसे करना होगा, मैं क्या करूं कि मेरा इस मार्केट में पदार्पण हो, इस मार्केट में मेरे कदम उठें। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर प्रेस कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है, किसी भी बिजनेस को समझने के लिए उसके बेसिक्स को जानना जरूरी है। अगर हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो हमें मालूम है शेयर बाजार में दो तरह की प्रमुख एक्सचेंजेस हैं, जिनका नाम NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है निफ्टी। निफ्टी 50 स्टॉक का कॉम्बिनेशन है और सेंसेक्स 30 स्टॉक का कॉम्बिनेशन है। ये तो रही बेसिक जानकारी जो सब जानते हैं, पर अगर आपको इसका हिस्सा बनना है, आपको इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले क्या चीज जरूरी है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी बेसिक इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में पूरी मिल जाए। दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अकाउंट कहां खुलेगा, कितने तरह के अकाउंट होते हैं, कितने तरह के ब्रोकर्स हो सकते हैं। आपको ये चयन करना आना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर, कौन सा अकाउंट आपके हिसाब से आपके मुताबिक है, कौन सी चीज़ आपकी पॉकेट को सूट करती है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि हमें सबसे पहले ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर एक ऐसा एजेंट है जो एक्सचेंजेस, जो NSE BSE की हमने बात की, अगर आप एक्सचेंजेस के साथ अगर कोई रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, देखिए हिंदुस्तान में हो चाहे किसी भी देश में, आपको पहले ट्रेड करने के लिए आपको किसी किसी एक्सचेंज का हिस्सा बनना होगा, उसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना होगा। डायरेक्ट एक्सचेंज के पास जाके आप अकाउंट नहीं खोल सकते, तो एक्सचेंज ने एक सिस्टम बनाया कि ब्रोकर निर्धारित किए, एजेंट बनाए। वो एजेंट हमारे और आपके बीच में एक रोल प्ले करते हैं जो हमें एक्सचेंज से डायरेक्ट जोड़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें ब्रोकर देखना होगा। ब्रोकर कितने तरह के हैं, आज की डेट में देखा जाए तो बैंक्स भी ब्रोकिंग का काम कर रहे हैं, जैसे ICICI बैंक की एक ब्रोकिंग की शाखा है, HDFC बैंक की ब्रोकिंग की शाखा है, डिवीजन है, एक्सिस बैंक की एक डिवीजन है, बहुत सारे बैंक है, स्टेट बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, बहुत सारे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इसको समझ लेते हैं। अगर आपको शेयर्स को खरीदना या बेचना है तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा, जैसा नाम में ही छुपा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अगर आपको ट्रेड डालना ही पड़ेगा, पहला शेयर अगर आपको खरीदना है सेकेंडरी मार्केट से, तो आपको पहले ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट अति आवश्यक है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जितने भी लोग हैं सोचते हैं कि हम डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं, दोस्तों अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवा भी लेंगे तो पहले उस डीमैट अकाउंट में रखेंगे क्या, तो सबसे पहले आपको ट्रेड करना ही होगा, पहला शेयर बाय करना होगा, उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है जो ब्रोकर्स के पास खुलता है। दूसरी चीज है जो डीमैट अकाउंट है उसके साथ ही है, ये दोनों अकाउंट आपस में इंटररिलेटेड है, कोई भी अकाउंट एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। डीमैट अकाउंट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए गोल्ड खरीदा, गोल्ड को कहां रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, किसी लॉकर में रखेंगे, किसी बैंक में जाके रखेंगे, सेफ रखने की कोशिश करेंगे, उसको बेचने के लिए उस लॉकर से निकालेंगे या उस तिजोरी से निकालेंगे, तब जाके मार्केट में उसको आप ट्रेड करने जाएंगे। ऐसे ही शेयर्स जब आप खरीदते हैं तो उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है, वो अकाउंट कहलाता है डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट जो है सरकारी संस्थान, जो NSE की जो CDSL और NSDL ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे डीमैट अकाउंट खोले जाते हैं और ब्रोकर्स को इसका लाइसेंस मिला होता है। तो पहले तो आपको ये, अगर आप बिगनर हैं तो आपको डीमैट अकाउंट नहीं, आपको डीमैट अकाउंट के साथ साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी कंपलसरी है। डीमैट अकाउंट कहां कहां खोला जा सकता है वो देख लेते हैं। डीमैट अकाउंट आपको कुछ ऐसी संस्थान मिलेंगी जो आपको 3-in-1 स्कीम ऑफर करती हैं और कुछ करती हैं 2-in-1। 3-in-1 का क्या मतलब है, 3-in-1 सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको बैंक का सेविंग अकाउंट, अपने ही बैंक में ट्रेडिंग अकाउंट, अपने ही बैंक में डीमैट अकाउंट आपको ऑफर करते हैं। तो ये हुए बैंकिंग वाले, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक की हमने बात की, एक्सिस बैंक की हमने बात की। दूसरा होगा जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है, ठीक है, ब्रोकर वो होगा जो आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ही खोल के देगा, पर आपको बैंक से और आपका उससे कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, आपको अपना बैंक उसमें मैप कराना होगा। तो जब भी आप शेयर्स खरीदेंगे उसको खरीदने के लिए आपको एक चेक से पेमेंट करनी होगी, NEFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको अपने ब्रोकर को वो पेमेंट करनी होगी, तभी आप उसके यहाँ पे शेयर्स की खरीद और बेच कर सकते हैं। पर अगर बैंक के में आपने अकाउंट खोला है, जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट भी है, जहाँ पे बैंक अकाउंट भी है और जहाँ आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी है, वहाँ पे अगर आपने
कोई चीज शेयर खरीदे हैं तो आपका बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट से लिंक हो जाता है, वहीं से ही आपका पैसा यूज हो जाता है खरीदने के लिए, वहीं पे अगर आपने कोई चीज बेची है तो वापस पैसा आपके डायरेक्ट बैंक में आ जाता है। पर हाँ, जो बैंकिंग वाले जितने भी प्लेटफॉर्म है ये सब महंगे हैं, ये बहुत हैवी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, यहाँ पे कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है बट सेफ्टी बहुत हाई है। दूसरी चीज है जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, जैसे आपने सुने होंगे मुद्रा लोसवार, शेयर खान, इंडिया इन्फ्लाइंग, ये सब ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं जहाँ पे आप सिर्फ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ही खोल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको चेक काटना होगा, ब्रोकर के पास पेमेंट जाएगी, ब्रोकर आपके बिहाफ पे आपके लिए शेयर्स खरीद सकता है, वो शेयर्स खरीद के आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। ये तो वो ट्रेडिशनल तरीका। अब तीसरा एक तरीका जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है वो है डिस्काउंट ब्रोकरेज, जो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी आपको डीमैट और ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ भी बैंकिंग की फैसिलिटी आपके पास नहीं होती है कि डायरेक्ट पैसा आपके बैंक से निकल जाए ट्रेड करने के लिए और वापस ट्रेड करने के बाद बेचने के बाद वापस पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। डिस्काउंट ब्रोकर्स वो ब्रोकर हैं जो आपको जीरो ब्रोकरेज या बिल्कुल लो ब्रोकरेज पे ट्रेड करा रहे हैं। अब आपको देखना होगा, यहाँ पे देखिए जितना सस्ता है वहां पे रिस्क के चांसेस भी उतने ही हैं। बीते दिनों में हमने देखा है बहुत सारे ब्रोकिंग कम्युनिटी में फ्रॉड भी हुए हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी पॉकेट क्या चाहती है, आपके पास कितने पैसे हैं। ये सभी ब्रोकर्स एक छोटी सी एनुअल मेंटेनेंस फीस भी लेते हैं। पहले दिनों में तो हजारों हजारों रुपए की फीस हुआ करती थी अकाउंट ओपनिंग की भी और वापस में अकाउंट मेंटेनेंस जो एनुअल मेंटेनेंस होती थी उसकी भी। आज की डेट में एएमसी 300 से 400 रुपए है किसी भी ब्रोकर के पास चले जाइए, जो साल की फीस है जो आप दे सकते हैं, अफोर्डेबल है। अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस बहुत सारी कंपनीज फ्री करती हैं, जो नहीं भी करती हैं वो 300 से 400 रुपए 500 रुपए एक रेंज रहती है। तो 500 रुपए के अंदर में आप स्टेट मार्केट में अंदर अपना अकाउंट खुलवा के आप एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ब्रोकर। आपको ब्रोकर चेंज करना, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला ब्रोकर रहा जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, जहां पे आपको 3 इन 1 स्कीम मिलेगी, सेविंग अकाउंट मिलेगा, डीमैट अकाउंट मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा। दूसरा रहेगा ट्रेडिशनल ब्रोकर, जहां पे आपको सिर्फ डीमैट और ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिलेगी। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी भी बातों पे हमने चर्चा की है उसका अपना एनालिसिस करें, कौन कौन से ब्रोकर्स हैं उसकी लिस्ट बनाएं, कहां कहां पे क्या क्या फीस ली जाती है, क्या क्या डिस्काउंट दिए जाते हैं, क्या क्या चार्जेस लिए जाते हैं, वो उनका आकलन करें, अपनी फिजिबिलिटी देखें कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर फिजिबल है, आप किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, कैसे ब्रोकर के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों इन चीज़ों का चयन करने के बाद, इन चीज़ों का अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में एंटर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही बिजनेस के लिए सीरीज आगे भी लेके आएंगे और ऐसे वीडियोस इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि नए से नए लोग इसका फायदा उठा सकें।